नव भारतीय परिवार में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके इकाई फर्स्ट का पहला चैप्टर है उसमें हम प्रस्तावना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कक्षा 12 की पुस्तक भारतीय संविधान की विशेषताओं में पहले चैप्टर का टॉपिक है आपका प्रस्तावना। देखो बच्चों, प्रस्तावना के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और व्यक्ति को समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर आज माघ शुक्ल सप्तमी को कृत संकल्प होकर आज हम क्या करते हैं, हम भारत के लोग भारतीय संविधान को क्या करते हैं, भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं। ऐसा हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित और अंगीकृत किया संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को और इस भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया और अधिनियमित किया। अब भारतीय बच्चों, बात यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ली है हमने यूएसए के संविधान से ली है और प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं मूल्यों का दर्शन है कि जो वो विचार सोचते थे उनके बारे में हमें प्रस्तावना मिलती है। के एम मुंशी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है किसको, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना की अगर हम बात करें बच्चों तो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों, समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रस्तावना में अब तक 3 शब्दों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता। ठीक है, अब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, पहला है घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्य भाग और तीसरा है विवरणात्मक भाग। सबसे पहले आता है घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि जो संप्रभुता है, क्या है, संप्रभुता है वो संपूर्ण जनता में निहित है। किसमें निहित है, संपूर्ण जनता में निहित है और जो भी भारतीय संविधान बनाया गया है वो समस्त जनता के लिए बनाया गया है और जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे या जो भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रतिनिधि होंगे वो समस्त जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब संप्रभुता भारतीय संविधान संपूर्ण जनता में निहित करता है और ये संविधान जनता को ही समर्पित करता है। तो यहाँ पर हम भारत के लोग में घोषणा करता है कि आज हम भारतीय संविधान को समस्त जनता स्वीकार करती है, ये हमारी प्रस्तावना में
लिखा हुआ है कि समस्त भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी है, समस्त जनता के लिए इस प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। अब बात आती है बच्चों उद्देश्य भाग, क्या उद्देश्य है भारतीय संविधान का? तो पहला उद्देश्य बच्चों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैंने आपको बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आते याद रखना बाह्य आक्रमण और आंतरिक संकट, मतलब भारत किसी भी बाहरी व आंतरिक नियंत्रण से मुक्त है, किसी भी दबाव में आकर के भारत काम नहीं करता है। भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है जिस पर किसी भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति का आधिपत्य नहीं है, इसीलिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना गया है। और भारतीय संविधान में भी इस बात का जिक्र है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है। अब आता है बच्चों समाजवाद। समाजवाद का विचार जो दिया भारत ने वो दिया नेहरू ने, और इसी नेहरू के कारण हमारे देश के 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो असमानता है उसको प्रजातंत्र के सिद्धांतों के आधार पर, कौन से सिद्धांतों के आधार पर? प्रजातंत्र के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाना ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है, प्रजातांत्रिक समाजवाद कहलाता है। और जयप्रकाश नारायण ने भी इस समाजवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और पंडित नेहरू समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। अब बात आती है बच्चों पंथ निरपेक्षता। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकट रमन साहब थे उन्होंने साफ कहा है कि पंथ निरपेक्षता न तो अधार्मिक है, ना धार्मिक है, ना ही धर्म विरोधी है। धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता प्रदान करना, धार्मिक सिद्धांतों में अपने आप को व्यक्ति को अलग कर देना, मतलब यह है कि धर्म के मामले में, धर्म के कार्यों के मामले में, धर्म के सिद्धांतों के बारे में व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही पंथ निरपेक्षता है। कोई भी व्यक्ति अपने पंथ पर अपने धर्म को मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, राज्य धर्म के मामले में किसी भी व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये कहलाता है पंथ निरपेक्षता। और इसी पंथ निरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था बच्चों। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर कहा गया भारतीय जनता के प्रति, भारत का जो संविधान बना है, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, मतलब यह संपूर्ण जनता के प्रति उत्तरदायी है, संपूर्ण जनता के लिए संविधान बना है, और संपूर्ण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही समस्त शासन का संचालन किया जा सकता है, और जनता चाहे तो उन प्रतिनिधियों को हटा भी सकती है। और अब्राहम लिंकन की परिभाषा भारत पर सटीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्रात्मक है। और भारतीय संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। फिर आता है बच्चों गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि हमारे राष्ट्र का जो गण है, नागरिक है, हमारे राष्ट्र का जो प्रधान है, जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। और ये गणराज्य शब्द हमने लिया कहाँ से? फ्रांस से लिया है। और हमारा जो राष्ट्रपति है बच्चों वो चुना जाता है, वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत है, बट हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए हमारे देश को गणराज्य कहा जाता है। तो आपने देखा हमारे देश का जो संविधान है वो कहता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र है, भारत में समाजवादी शासन को स्थापित करना, भारत में पंथ निरपेक्षता का गुण है,
भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक है और भारत एक गणराज्य है, इस बात को हमारी प्रस्तावना स्वीकार करती है और इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के 22 भाग लिखे गए, 395 अनुच्छेद लिखे गए और 12 अनुसूचियों का निर्माण किया गया। अब बात आती है बच्चों क्या विवरणात्मक भाग, क्या है विवरणात्मक भाग में वो देखिए बच्चों। सबसे पहले कह रहा है तीन न्याय की बात करता है बच्चों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब बात आती है बच्चों सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब है जन्म, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर अलग नहीं समझा जा सकता, किसी को भी शैक्षिक अवसरों में समान माना जाएगा, कानून की दृष्टि में सब व्यक्तियों को एक समान न्याय दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि आर्थिक विषमता को क्या करना, समाप्त करना, क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाना, क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाना और समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, जो विकलांग बच्चे हैं या आर्थिक दृष्टि से सक्षम बच्चे नहीं हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना, उनको अवसर प्रदान करना, वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका बच्चों राजनीतिक न्याय। राजनीति में भाग लेने की सबको स्वतंत्रता है, सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, सबको चुनाव में मत देने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, भेद, नस्ल के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है और कहती है कि देश में तीन तरह का न्याय स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और न्याय सिद्धांत के बारे में, जिसके बारे में अरस्तु ने बहुत अच्छी बातें कही है, दो प्रकार के न्याय की बात करी है, वो हम आगे के वीडियोस में जब मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाऊंगी तब इनकी डिटेल्स और ज्यादा अपन समझेंगे। तो विवरणात्मक भाग में तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक सहभागिता प्राप्त करना, आर्थिक विषमता को दूर करना, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, ये तीन चीजें हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। अब बात आती है बच्चों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या है, स्वतंत्रता में बच्चों चार प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। क्या करता है, कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, सभा कर सकता है, सम्मेलन आयोजित कर सकता है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है धर्म, उपासना, क्या है धर्म और उपासना की क्या है स्वतंत्रता है, और विश्वास। चार प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है बच्चों आपकी प्रस्तावना, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म के मामले में स्वतंत्रता, किसी भी पंथ की उपासना करने की स्वतंत्रता और किसी पर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदान करती है। तो स्वतंत्रता कितनी तरह की होनी चाहिए, चार तरह की स्वतंत्रता की बात करती है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो चार तरह की स्वतंत्रताएं आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब आती है समानता, दो प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर। हर
हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, शैक्षिक और सामाजिक जो पिछड़े हुए हैं उनको भी अवसर मिलने चाहिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी अवसर मिलने चाहिए, जो आदिवासी इलाके के बच्चे हैं उनको भी अवसर मिलने चाहिए। तो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी तरह के अवसर बच्चे को मिलने चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी प्राण की, जीवन की सुरक्षा करने का, अपनी अपने प्रतिष्ठा मतलब समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का हक है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए। तो दो प्रकार की समानता की बात हमारी प्रस्तावना करती है, एक आता है आपको बच्चों प्रतिष्ठा और दूसरा आता है अवसर की समानता। फिर बात करता है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है सभी भारतीय एक दूसरे के साथ बंधुत्व और भाईचारे का व्यवहार करें, सभी एक दूसरे को समान समझें, सभी अपने आप को भारतीय समझें ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति प्रेम रखें, देश सेवा का भाव रखें। तो ये कहता है आपका बंधुत्व। बंधुत्व भाईचारे का प्रतीक है, बंधुत्व राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, बंधुत्व धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, बंधुत्व पंथ निरपेक्षता का प्रतीक है। बच्चों तो तीन तरह की बात करता है ये हमारे यहाँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता चार तरह की है, विचार व अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। बंधुत्व तीन तरह का बता रहा है बच्चों, बंधुत्व नहीं समानता, प्रतिष्ठा और अवसर दो तरह की समानता की बात करता है, न्याय तीन तरह की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब कह रहा है बच्चों व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता की बात भी हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। बच्चों क्या कहती है देखो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कि हर बच्चे का, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का विकास होने के साथ ही राष्ट्र की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, कि इस प्रकार व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसमें राष्ट्र की गरिमा को नुकसान पहुंचे, राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंचे। कोई राज्य दूसरे राज्य से अलग नहीं हो सकता, ये हमारी अखंडता कहती है। कोई राज्य व्यक्ति की गरिमा, मतलब ये है कि राष्ट्र की एकता, हर व्यक्ति राष्ट्र में विकास करेगा, हर व्यक्ति को शैक्षिक अवसर दिए जाएंगे, हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन लेकिन क्या नहीं, इसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, सभी राज्य भारत का ही अंग है, इसीलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत के लिए यूनियन शब्द का यूज नहीं किया गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्यों? क्योंकि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन उन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान नहीं देता है। भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है, लेकिन कहा है कि अखंडता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारी भारतीय संविधान के कुछ पार्ट्स थे, उनको आपने डिटेल से पढ़ा। इसमें तीन पार्ट्स पढ़े, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में कहा गया है भारत के लोग हैं, जिस जो संपूर्ण जनता जिसमें निहित है, भारतीय संविधान बनाई किसके लोग है, भारतीय लोगों को समर्पित किया गया है। उद्देश्य भाग में अपन ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करी। विवरणात्मक भाग में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। तो ये थी आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें अब तक एक बार संशोधन हुआ है बच्चों, 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें तीन शब्दों को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद ऊपर की तरफ जोड़े गए, जबकि राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा के साथ जोड़ा गया अखंडता शब्द, कि व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए जाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज
हम कृत संकल्प होकर संविधान सभा इस संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित और अधिनियमित करती है। ये है बच्चों हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवाद का क्या मतलब है, आप एक बार बुक में जरूर पढ़े। वैसे मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से इस चीज को समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बुक से अपन और पढ़ेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक से एक बार इनकी डिटेल्स दोबारा पढ़ाऊंगी, लेकिन जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखाया है एक कॉपी बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए, ताकि आप ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। मैं लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन सब के बारे में भी वीडियो में डिस्कस करूंगी। कक्षा ट्वेल्थ की राजनीति विज्ञान में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप इससे पहले मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लाऊंगी। आप चाहते हैं कि मैं आपको राजनीति विज्ञान के इन टॉपिक्स को क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे इस नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, लाइक्स करें, शेयर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कौन सी चीज अच्छी समझ में आई, कौन सी चीज मैम समझ में नहीं आई, जो जो प्रॉब्लम आपको फेस हुई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी के साथ मैं आपको प्रस्तावना का ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाया, घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग, और प्रस्तावना मार्ग शुक्ल सप्तमी को ये जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। जब 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, उसी समय भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको हाथों हाथ लागू कर दिया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए तो आज हमारा प्रस्तावना का टॉपिक हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर देखें, उसको समझें, और इसी के साथ मेरा वीडियो भी ध्यान से देखें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।